के अंतर्गत चौकी एनएससी जेल के सामने एक महिला द्वारा केरोसिन ऑयल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया गया। छेड़खानी का आरोप नहीं है बल्कि उसको बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी बातें करने का आरोप उसके द्वारा लगाया गया। पुलिस चौकी के सामने महिला ने खुद को किया आग के हवाले, गांव के लोगों पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। जी हां, नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र के गांव इलाहाबाद की रहने वाली करीब 31 वर्षीय महिला ने आज एनएसई जड चौकी के सामने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली। चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने आनन-फानन में आग को बुझाकर पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। महिला का आरोप है कि गांव के दो युवक सुमित व नीरज उसे बदनाम करने के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात को नहीं सुन रही है। आज शाम के समय नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र के एनएसई जट चौकी के पास अफरा तफरी का माहौल तब पैदा हो गया जब करीब 31 वर्षीय महिला ने चौकी के पास अपने ऊपर केरोसिन डालकर अपने आप को आग के हवाले कर लिया। हालांकि चौकी के पास अपने ऊपर केरोसिन डालकर अपने आप को आग के हवाले कर लिया, हालांकि चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे आग को बुझाया और घायल महिला को पास के ही निजी यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। लव कुमार जॉइंट सीपी गौतम बुद्ध नगर ने बताया कि महिला ने पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि इलाहाबाद गांव के ही दो युवक नीरज व सुमित उसके बारे में गलत गलत अफवाह फैलाते हैं और उल्टी सीधी बातें उसके बारे में लोगों से कहते हैं, जिसकी जांच एक महिला कांस्टेबल को दी गई थी और जांच की जा रही है। उसी क्रम में गांव के कुछ अन्य लोग व नीरज की पत्नी ने भी इस महिला के खिलाफ शिकायत दी और आरोप लगाया कि ये महिला लोगों से उधार पैसे लेती है और वापस नहीं देती है, मांगने पर उल्टे सीधे केस में फंसवाने की बात कहकर डराती धमकाती है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एसीपी नोएडा 1 को सौंपी है। जांच में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 22 फरवरी को थाना फेज 2 के अंतर्गत चौकी एनएससी जेड के सामने एक महिला द्वारा केरोसिन ऑयल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया गया, जिस पर तत्परता से चौकी के स्टाफ द्वारा आग को बुझाकर उसको तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से बेहतर उपचार हेतु सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के लिए रवाना किया गया। संपूर्ण तथ्यों की जब जानकारी की गई तो प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आई, 20 फरवरी को इस महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र गांव के ही दो लड़कों सुमित और नीरज के विरुद्ध दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि ये दोनों लड़के गांव में उसको बदनाम करते हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, जिसमें इनके द्वारा छेड़खानी का आरोप नहीं है बल्कि उसको बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी बातें करने का आरोप उसके द्वारा लगाया गया। इसमें उल्लेखनीय यह है कि एक लड़का जो सुमित है वो रिश्ते में इसका देवर भी लगता है, पारिवारिक है। इस क्रम में जब जांच की गई तो दूसरा पक्ष जिसमें नीरज जो दूसरा आरोपी है उसकी पत्नी द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया और गांव के अन्य कुछ व्यक्तियों द्वारा इस महिला के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिए गए और ये आरोप लगाया गया कि इस महिला द्वारा काफ़ी लोगों से पैसा उधार लिया गया था और उसको मांगने के क्रम में ये उल्टे सीधे आरोप लगाने का प्रयास करती थी। दोनों पक्षों की बात सुन के थानाध्यक्ष ने इस पूरे प्रकरण की जांच एक महिला सब इंस्पेक्टर को सौंपी। महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा अभी जांच पूरे प्रकरण में प्रचलित थी, दोनों पक्षों से बातचीत करके और तथ्यों की जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा था, वास्तविकता का पता लगाए जाने का। इसी बीच में आज इस महिला द्वारा चौकी एनएससी जेड के सामने आकर आत्मदाह का प्रयास किया गया। संपूर्ण तथ्यों की जांच के लिए एसीपी 1 सेंट्रल नोएडा को नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त और जो भी तथ्य होंगे और जो भी संपूर्ण घटनाक्रम जो भी संपूर्ण जांच से घटनाक्रम में जो तथ्य निकल के आते हैं, तदनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।